हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि गेट, आईएएस या फिर स्टेट इंजीनियरिंग लाइक व्यापम सब इंजीनियर, एसएससी जेई या यूपीजेई या छत्तीसगढ़ जेई सब इंजीनियर या फिर एसएससी जेई आपकी जो होती है जूनियर इंजीनियर और फिर रेलवे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो निकलती है, या फिर दोस्तों आप किसी अदर डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर जूनियर इंजीनियर या फिर एई की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आप किस बुक से पढ़ाई करें, आपके लिए कौन सी बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट होगी, तो दोस्तों आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आप किस बुक से पढ़ें जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके सामने अभी जो मैं बुक दिखा रहा हूँ, ये आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक है, ठीक है। यानी कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए, ऐसे कि मैकेनिकल ब्रांच अभी कोर ब्रांच होगी, इसके अंदर आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आ जाती है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी आ जाती है, और मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके अदर ब्रांच में होते हैं वो आपके मैकेनिकल ब्रांच में यदि कॉमन है तो आप जो भी आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग में भी मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बुक जो है ओनली सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, मतलब कि कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मतलब कि जो अदर ब्रांच हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंक्लूड हो जाती हैं, आप उसके लिए भी इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो बुक है आपकी, ये है आपकी कन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्टिव टाइप बुक, यानी कि इसमें आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आपको ऑप्शनल देखने को मिलेंगे, मतलब कि आप कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो इसमें हर सब्जेक्ट का पहले आपको कन्वेंशनल देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको उसी टॉपिक्स या उसी सब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें टोटल आपके 5000 प्लस क्वेश्चन है, मतलब कि ये तो अलग अलग एडिशन के हिसाब से भी, अगर आप पुराना एडिशन लेंगे तो उसमें कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ नया अगर एडिशन आ गया हो उसका अगर बुक लेंगे तो उसमें 5000 से ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। और बाकी दोस्तों, इसके राइटर की हम बात करें तो राइटर इसमें नीचे आपको लिखा हुआ है आर एस खुरमी और जे के गुप्ता की ये बुक जो है आपकी है, ठीक है दोस्तों। तो जो बुक है आपकी, ये आपकी आर एस खुरमी और जे के गुप्ता इसके राइटर हैं, और एस चंद जो है इसका पब्लिकेशन, यानी कि एस चंद पब्लिकेशन के द्वारा ये जो बुक छापी जाती है। दोस्तों, जो बुक है एस चंद पब्लिकेशन की, इसकी अदर ब्रांच की भी आती है, सिविल इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईसी वगैरह की, मतलब कि इसकी काफ़ी बुक्स आती हैं, तो आप सभी बुक्स लगभग अच्छी हैं तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप किसी अदर ब्रांच के हैं। तो बाकी मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के लिए आपकी आर एस खुरमी और जे के गुप्ता की एस चंद पब्लिकेशन की ये बुक आपके सामने आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें इन्होंने लेके रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे किस चीज़ की चीज़ के लिए प्रिपरेशन कराती है बुक, तो ये आपकी बीटेक, बीई, बीएससी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, कहने का मतलब आपका पीपीटी जो होती है उसके लिए ये बुक आपकी इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉली के किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी ईएससी यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी जो आपकी आईईएस कराटा है उसके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एमटेक यानी मास्टर डिग्री के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें जो आपका गेट होता है उसकी तैयारी भी आपका कराता है, गेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आपको मैंने बता दिया क्या जाते हैं, आपका आपके जेई जाता है, ठीक है, जेई के, और आपका एई जाता है और आपका सब इंजीनियर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसके अलावा और भी जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या कौन कौन से कंटेंट आपके आपको देखने को मिलेंगे इस बुक के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ, इस टेबल ऑफ कंटेंट में कौन कौन से कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, ठीक है, जिसे आप सोम बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सोम वही चीज़ है। फिर हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स आपका एफएम का सब्जेक्ट है, फिर देन आपका हाइड्रोलिक मशीन्स है, फिर ये आपका एचएमटी थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, यहाँ पे स्टीम बॉयलर्स एंड इंजन इसी के अंदर जाएगा, स्टीम नूडल्स भी इसी में आएगा, और आईसी इंजन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह, ये सब आपके जैसे कि टर्बो मशीन्स हो गया,
सब टर्बो सब्जेक्ट उसमें आपका जाता है। कंप्रेसर, गैस डायनेमिक्स एंड गैस टर्बाइन से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे HMT फिर से है, इसमें हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेटर और आपका कंडीशनिंग वगैरह आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको टोम सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर मशीन डिज़ाइन है आपका, इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, ठीक है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है। IP ब्रांच जो होती है आपकी IP और एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती है, ऑटोमोबाइल के लिए भी चीज़ इंपॉर्टेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो होती है उसके लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैंने आपको बता दी, IP ब्रांच, ठीक है, ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिए हैं कि साहब जितने भी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सारे आपके IP ब्रांच में मिल जाएंगे, इंडस्ट्रियल ब्रांच में मिल जाएंगे, प्रोडक्शन ब्रांच में मिल जाएंगे और आपके को और आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आपके हैं ही क्योंकि कोर ब्रांच है, ठीक है दोस्तों। HMT वगैरह आपको देखने को मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे हो गए दोस्तों। इसकी प्राइस लगभग आपकी वही 500 के आसपास होगी, करीब 500 550 के आसपास होगी। तो आप इसको चाहें तो परचेस कर सकते हैं। इसमें आपकी हर एक प्रकार की हर एक वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी क्वेश्चन से, अगर आप तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल एग्जाम की, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।